हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीरो, एक रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत अप्रैल से होती है। आज उसकी शादी थी। वो अपने डैड के साथ वेडिंग लोकेशन पर पहुंचती है और बोलती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अप्रैल बहुत ही खुश थी क्योंकि वो आज अपने प्यार रेंदी से शादी करने वाली थी। सभी फैमिली मेंबर भारी थे। तभी रेंदी की खबर आती है, वो शादी में नहीं आने वाला। अप्रैल की बहन जोनू से आके ये बात बता देती है। अप्रैल ड्राइवर को बोलती है, मुझे अपने प्यार से मिलना है, जल्दी चलो। वो रास्ते में भी रेंदी को कॉल करती है, लेकिन अचानक से रास्ते में कार खराब हो जाती है। बेचारी अप्रैल को उसे धक्का मारना पड़ता है, पर जरा से भी सरका नहीं पाती, तो रिक्शा में ही बैठकर उसे जाना पड़ता है। तभी ऐसे दुल्हन को जाता हुआ देखकर उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। अप्रैल रेंदी के रूम पर आती है और उसका दरवाजा नॉक कर रही होती है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वो सीढ़ियों से जा रही थी, तभी कोई बताता है, रेंदी तो मॉर्निंग में ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। अप्रैल एयरपोर्ट के लिए निकलती है, तभी रेंदी का मैसेज आता है, आई एम सॉरी। बेचारी अप्रैल का तो दिल ही टूट जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। ये सब रेफी भी देख रहा था और सोचता है, ये कैसी लड़की है। अप्रैल घर आकर सोच रही थी, आज का दिन मेरी लाइफ का बेकार दिन गया। किसी को लाइक करने का ये नतीजा मिला है मुझे। ट्रैफिक ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वो घर आता है जहाँ उसका भतीजा था। अप्रैल के डैड आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो वो हाँ बोल देती है। इसके बाद अप्रैल बोल रही होती है, फ्यूचर हस्बैंड मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, प्लीज मेरा वेट करना। रेफी देखता है उसके प्रोजेक्ट में उसकी फोटोज को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बोलता है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। तभी बॉस उसे बुलाता है, ये प्रोजेक्ट मैंने किसी और को दे दिया है। रेफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट पर एक साल से काम कर रहा था। बॉस बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट है। रेफी बोलता है, मैंने इस कंपनी में 12 साल जॉब की इसके लिए। बॉस बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? रेफी बोलता है, थोड़ी सी लॉयल्टी। अप्रैल अपसेट थी। तभी जुना के उसे बोलती है, तुम तो ट्रेंडिंग में चल रही हो, हैशटैग जॉब ब्राइड। रेंदी के डैड रेफी से बोलते हैं, अच्छा हुआ तुमने ये प्रोजेक्ट ले लिया। रेफी पूछता है, बताए क्या करना है? रेंदी के डैड बोलते हैं, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट इलेक्शन में मेरा बेटा मेयर बने, पर जॉब ब्राइड वीडियो की वजह से मेरे बेटे को लेकर बैड इमेज बन चुकी है। रेफी पूछता है, आपका बेटा कहाँ है? डैड बोलते हैं, पता नहीं। रेफी बोलता है, ऐसे मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? डैड उसे अपना फेस दिखाते हैं, जिस पर अप्रैल के मोम डैड के मारने के निशान थे। मेयर चाहते थे फैमिली की रिस्पेक्ट वापस आ जाए। वो अप्रैल की वेडिंग गिफ्ट भी देते हैं, जिसमें अप्रैल ने अपने प्यार के बारे में बोला था। नोहा को तो ये लेटर काफी क्यूट लगते हैं। रेफी बोलता है, हमें उसे मिलने जाना होगा। पर अप्रैल के घर के बाहर तो मीडिया की लाइन थी, सभी इंटरव्यू लेना चाहते थे। नोहा भी अंदर जाने का ट्राई करता है, पर बॉडी गार्ड्स उसे रास्ता दिखा देते हैं। रेफी तो उन सभी को मस्का लगाकर अंदर आ जाता है। अप्रैल उसे हग कर लेती है रेंदी समझ के और बोलती है, थैंक गॉड तुम आ गए। सभी देखते रह जाते हैं। अप्रैल पूछती है, तुम कौन हो? रेफी बोलता है, मुझे मेयर ने भेजा है ये मामला सेटल करने के लिए। डैड बोलते, कभी नहीं, मेरी बेटी को पहले हर्ट किया और अब वो मेयर का बच्चा अच्छा बन रहा है। डैड सभी मीडिया को इंटरव्यू के लिए घर में बुला लेते हैं। रेफी बोलता है, मेरी बात खत्म नहीं हुई। रेफी रेंदी के बारे में बोलता है। अप्रैल पूछती है, तुमने उससे बात की है? कहाँ है वो? रेफी बताता है, अभी नहीं आएगा वो। डैड गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए रेफी बोलता है, वो जल्दी ही आ जाएगा। अप्रैल बोलती है, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो शादी से ऐसे कैसे चला गया? रेफी बोलता है, वो तो आपको पता होगा ना। अप्रैल बोलती है, मैंने लास्ट टाइम उसे कार्ड दिया था और बोला था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे लगता है वो प्रेशर में आ गया होगा। रेफी बोलता है, वो जल्द ही आ जाएगा, पर अभी उसकी बैड गाय की इमेज बन चुकी है तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से। अभी भी तुम रेंदी के बारे में सोच के इमोशनल हो जाती हो। ये सुनकर फिर से अप्रैल रोने लगती है। रेंदी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये देखकर रेफी सोचता है, मैं तो पत्थर पर सर फोड़ रहा हूँ, और फिर से समझाने लगता है, तुम्हें भी हैप्पी रहना चाहिए, मैं हेल्प कर सकता हूँ, डिसाइड कर मुझे बता देना और अब आप इंटरव्यू दे सकती हो। अप्रैल चिल्ला कर बोलती है, नहीं, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ऑफिस में नोहा बोलता है,
हमें रैंधी और अप्रैल की लव स्टोरी सभी के सामने लानी होगी जिससे कि हैप्पी एंडिंग हो, रैफी बोलता है। पर उससे पहले सभी को दिखाना होगा अप्रैल मूव ऑन कर रही है ताकि रैंधी की इमेज ठीक हो सके। रैफी अप्रैल के घर आता है, अप्रैल ने पुराने कपड़े पहने थे। रैफी पूछता है ऐसे बाहर चलोगी, अप्रैल बोलती है क्या प्रॉब्लम है इसमें। रैफी अप्रैल को बोलता है लव को सेकंड चांस मिलना चाहिए और तुम्हें भी। वो तो अप्रैल का लुक भी चेंज करा देता है ताकि वो बेटर फील कर सके। रैफी बोलता है फोटो लेते हैं, कहाँ है फोन। अप्रैल बोलती है वो तो मैंने जुन को दे दिया। अप्रैल सेल्फी ले रही थी, वहाँ वो वेडिंग ड्रेस देखती है। रैंधी का नेम लेकर फिर से रोने लग जाती है, मेरा ड्रेस कितना प्रीटी था, सभी वीडियो बनाने लग जाते हैं। मेयर रैफी पर गुस्सा कर रहा होता है, इन सब से रैंधी को और ज्यादा हेट मिल रहा है। रैफी नुआ से बोलता है हमें और भी ज्यादा लोग चाहिए। नुआ इना और मेरी को लाता है जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर थी। रैफी अप्रैल की सैडनेस दूर करने के लिए अजीब डांस भी करता है जो अप्रैल को अच्छा लगता है। इसके बाद अप्रैल का फोटोशूट हो रहा था हैप्पी फेस वाला। टीना बोलती है और भी स्माइल करो। अप्रैल के फॉलोअर्स बढ़े ही जा रहे थे। अप्रैल इना और मैरी को डिनर के लिए बोलती है पर वो दोनों मना कर देती है, हमें ब्लाइंड डेट पर जाना है। टीना बोलती है रैफी सिंगल है उससे ही पूछ लो, पर रैफी भी बोलता है मेरी डेट है। अप्रैल बोलती है सच में। रैफी बोलता है यस बिकॉज मेरी भी लाइफ है यू नो। पर रैफी तो घर आकर काम करने लग जाता है। अप्रैल उसे मैसेज करती है, रैफी उसे कॉल ही कर देता है, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो तुम। अप्रैल बोलती है मुझे पता है तुम घर पर होंगे, जल्दी से यहाँ आ जाओ। रैफी ऐसे खा रहा था जैसे कितने सालों से खाना खाया ही ना हो और बोलता है तुम रैंडी को कोई मैसेज मत करना। अप्रैल बोलती है मॉम ने बोला था बेस्ट गिफ्ट ऑनेस्टी होती है जो हम किसी को दे। रैफी का भी यही मानना था और पूछता है तुमने इतने लेटर क्यों लिखे। एक्चुअली मैं अप्रैल की मॉम थाईलैंड में काम करती थी, तब वीडियो कॉल नहीं होता था, मॉम डैड के लिए लेटर लिखा करती थी ताकि वो अपना प्यार जता सके। इसलिए अप्रैल भी डियर फ्यूचर हस्बैंड के लिए लेटर लिखती थी जिसमें उसने अपने ड्रीम के बारे में बोला था। रैफी पूछता है इससे लव का क्या कनेक्शन है। अप्रैल बोलती है क्योंकि मैं लव में बिलीव करती हूँ, मुझे शादी करनी है। रैफी बोलता है यही तो, तुम्हें सिर्फ शादी करनी है, दूल्हा कौन है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिर वो मैं हूँ या फिर नोहा। अप्रैल पूछती है क्या तुम उससे शादी करोगे। रैफी कोई जवाब नहीं देता, ऊपर से बहाना बनाकर चला जाता है, पर बाहर जाके वो ब्लश कर रहा होता है। अप्रैल स्कूल टीचर थी, वो वापस स्कूल आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। रैफी इसका वीडियो बना रहा था, अप्रैल का इंटरव्यू चल रहा था, बिरेंदी का फोटो आता है जिसमें वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ था। वो लेडी पूछती है तुम्हारा क्या कहना है इस पर। अप्रैल रोते हुए बाहर आ जाती है। रैफी बोलता है इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। अप्रैल बोलती है बहुत हो चुका, मैं खुश रहने का ट्राई कर रही थी, पर मैं तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट ही हूँ तो मेयर ने तुम्हें दिया है। तुम्हारे लिए मुझे और मेरी फैमिली को हर्ट करना जोक होगा पर मेरे लिए नहीं। रैफी मैसेज करता है पर अभी भी अप्रैल उसे इग्नोर ही कर रही थी। नेक्स्ट दिन हुआ बोलता सच में हमें नहीं पता था रैंधी की न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में। अप्रैल स्कूल से जा रही थी, रैफी वहाँ मिलने के लिए आता है। अप्रैल पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। रैफी बोलता है कोई मुझे लास्ट नाइट से इग्नोर कर रहा है, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, मुझे लगता है सबको रियल अप्रैल को जानना चाहिए। अप्रैल तो उसे इग्नोर कर देती है। रैफी उसके घर भी जाता है पर जून बोलती है वो यहाँ नहीं है, पर अप्रैल तो सब कुछ देख रही थी। अप्रैल सोचती है वो इतने एफर्ट कर रहा है, रिप्लाई दे देना चाहिए, तभी फोन की बैटरी लो हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर से रैफी आता है और डिनर के लिए अप्रैल को इनवाइट करता है। अप्रैल डिनर के लिए जाती है और सॉरी बोलती है इतनी लेट रिप्लाई देने के लिए, और मुझे सेकंड चांस चाहिए ताकि मैं सबको बता सकूं मैं जॉब ब्राइड नहीं हूं। अप्रैल अपने फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ वाले कार्स को सेल करने वाली थी। वो एक डियर फ्यूचर वाइफ वाला कार्ड रैफी को देती है। रैफी की कार्ड में लिखा था मेरी फ्यूचर वाइफ सामने ही है, वो मेरे सामने देखेगी तो इसका मतलब हाँ होगा। कुकिंग के टाइम भी ये दोनों मस्ती करते हैं, एक दूसरे पर आटा गिरा देते हैं, इनके चक्कर में ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। रैफी और अप्रैल की फैमिली मिलकर रैफी को बर्थडे सरप्राइज देती है। रैफी की मॉम की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो अप्रैल को रैफी की एक्स गर्लफ्रेंड समझ लेती है। अप्रैल भी ऐसे ही दिखाती है, रैफी अप्रैल को ही घूरे जा रहा था। बाहर आकर वो बोलता है क्या तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से जेलस हो। अप्रैल बोलती है मैं क्यों जेलस होंगी, वैसे ब्रेकअप कैसे हुआ था। रैफी बोलता है वो मुझसे शादी कर फैमिली प्लान करना चाहती थी पर मुझे अपने करियर पर फोकस करना था। ये दोनों यहाँ भी केक से मस्ती कर रहे थे, इवन की डांस भी करते हैं। रैफी अप्रैल को किस करने वाला था पर तभी इना आ जाती है। रैफी अप्रैल को लाइक करने लगा था इसलिए मेयर के पास जाकर बोलता है रैंधी और अप्रैल की एंगेजमेंट वाला प्लान कैंसिल कर देते हैं, ये सब मैं फिक्स कर दूंगा।
फिर बोलता है अगर एंगेजमेंट नहीं हुई तो सभी रैंडी को ही गलत समझेंगे। वैसे तुम कहीं उस लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए? भूलो मत, मैं मेयर हूँ, तुम्हारी कंपनी इवन की अप्रैल की फैमिली को बर्बाद कर सकता हूँ। रफी को अच्छा नहीं लग रहा था, मेयर अप्रैल को यूज कर रहा था इलेक्शन के लिए ताकि पॉजिटिव इमेज बन सके। रफी अप्रैल को रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाता है, अप्रैल हैप्पी हो जाती है। वहाँ पर रैंडी भी था। रैंडी अप्रैल से सॉरी बोलता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। अप्रैल तो शॉक ही हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है। रफी बोलता है अब रैंडी वापस आ गया है, आप दोनों को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। अप्रैल भी रफी के पीछे आती है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगा कम से कम तुम तो ऑनेस्ट होंगे। हमारे मोमेंट्स वो केयर मैं तो भूल ही गई थी, वो सब जॉब का पार्ट था। रफी बोलता है अब रैंडी वापस आ गया है, मेयर के बारे में भी सोचो। अप्रैल बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? रफी कुछ नहीं बोलता, रफी अपसेट था। मोम पूछती है क्या हुआ। एक्चुअली में रफी की मोम जब वो छोटा था तब उसे छोड़कर चली गई थी, रफी ने ही अपने भाई बहनों को संभाला था। रफी बोलता है मैं थक चुका हूँ स्ट्रॉन्ग बनकर, उसकी फैमिली हग करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज आती है, पहले अप्रैल ने रहने को धोखा दिया पर अब अप्रैल ने डिसाइड कर लिया है वो अब और नहीं रोने वाली। अप्रैल रैंडी से मिलती है और उसके लिए जो भी लेटर लिखे थे वो देती है और अपने रिलेशन को क्लियर करती है, मैं अब तुम्हें लाइक नहीं करती। दूसरी तरफ रफी का इंटरव्यू चल रहा था, रफी सबके सामने अप्रैल को प्रपोज करता है, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज तुम हो क्योंकि ऑनेस्ट होना मैंने तुमसे सीखा है। अप्रैल भी देख रही थी। रफी बोलता है अगर तुम मुझे अलाउ करो तो मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनना चाहता हूँ। दोहा मोम और डैड ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तभी चले जाते हैं। रफी को लगता है मैं रिजेक्ट हो गया इसलिए रोने लगता है, तभी अप्रैल का मैसेज आता है डियर फ्यूचर हस्बैंड लव यू। अप्रैल सामने ही खड़ी होती है और बोलती है सॉरी लेट रिप्लाई करने के लिए, मैं वेट कर रही थी सभी चले जाए क्योंकि अब मुझे वायरल नहीं होना। रफी तो उसे हग ही कर लेता है और बोलता है ज्यादा लेट तो नहीं हुआ ना। अप्रैल बोलती है नहीं तो, और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।